तो पहुंच चुके हैं हम खूबसूरत ताजमहल के। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे पेठा सॉल्ट स्टेज, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। क्यों हम तुम्हारे साथ ही चले, कुछ बात ही नहीं करते हैं। क्या बात है, कैसा लगा रूम? कितनों की लव स्टोरी यहाँ, केसरिया तेरा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ध्रुव अंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज उठ चुके हैं हम और नहा धो के रेडी है, अभी हमने जाना है ब्रेकफास्ट करने, फिर निकलेंगे हम ताजमहल को देखने। तो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत, तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी होटल की लोकेशन बताऊँ तो रेडिसन के बिल्कुल अपोजिट है, साथ में आप ये देख सकते हो ये वाला रोड इधर जाके कनेक्ट करता है ताजमहल के लिए। और धूप भी आई है आज हल्की हल्की। और हम चलेंगे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, सामान हमारा सारा पैक हो गया है। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, हो गई नींद पूरी? फ्रेश, अभी जब सुबह आए थे तो कितनी धूप थी। हाँ आप और जाके लग रहा है कि कुछ दिखेगा, मैं ध्रुव यही सोच रहे थे कि ऐसे में ताजमहल ढूंढना पड़ेगा। नहीं अब अच्छा व्यू आएगा ताजमहल का। हाँ अब धूप आ चुकी है और हम रेडी है, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, सामान निकाल लेते हैं। ठीक है भाई साहब। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज तो पापा का दिया गिफ्ट पहना है आपने। आज मैंने पापा का दिया गिफ्ट पहना, मैंने एक कैफे डिलीवरी बनाया और ये मेरे पति ने मुझे शूज का गिफ्ट किए। अच्छा, लेदर के शूज है पूरे? हाँ। कैसे लगे तुम्हें शूज भी? अच्छा, और कुर्ता तो बहुत अच्छा है। तो पापा थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा कुर्ता है, सिंपल है बट बहुत अच्छा है। नहीं अच्छी लग रही है, तो काफी अच्छी लग रही है। ठंड तो नहीं लगेगी तुझे? साथ के शूज भी दिए मुझे, सेम इसके साथ किए, बट तो ऐसे आप अंदर पहन सकते। पर तेरे को अच्छी फिटिंग आ गई है, ये सबसे बेस्ट है। मेरे को बोलते बेटा पता नहीं कैसे आएगा, मैंने ऐसे ही ले लिया आईडिया से। बस ठीक है, चलो चलो अब यार सामान निकालते, फिर ब्रेकफास्ट करने भी हमें जाना है। आइए 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 आइए। अरे जी बैग कर दो अंदर, तो सामान इतना होता ना अपने पास। कल रात को बहुत अच्छी नींद आई, बहुत ज्यादा है ना, रिलैक्सिंग थी काफी ज्यादा, थके हुए थे ना हम कल, इसलिए। ये लोग करे सामान सेट और मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि सारा सामान अभी नहीं है हमारे रूम में, थोड़ा बहुत सामान और भी रह गया है, खाने पीने का सामान ही है। मैंने कहा चलो आप तब तक सेट कर लो, मैं ले आता हूँ। ब्रेकफास्ट करने आए, बोला तो कॉम्प्लीमेंट्री, पर यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। ये खत्म हो गया शायद, खत्म हो गया, देखो हो गया। चलो कोई नहीं, ये लोग तो लग गए ने आप भाभी और ध्रुव खाना खाने, कुछ ना कुछ तो खा रहे हैं। अक्षय भी और मैं वेट कर रहे हैं, तू भी खा ले, सेमिया अच्छी है। तो गाइज अपना चेकआउट हो गया है, बढ़िया ब्रेकफास्ट किया और अब जाएंगे हम ताजमहल देखने। सारा सामान सेट हो चुका है और भगवान का नाम लेके निकलते हैं। जय भोले शंकर। तो गाइज गाड़ी पार्क कर दी हमने ताजमहल की पार्किंग में। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ताजमहल, मेरे पति पहले भी आ चुके हैं। हाँ मैं मम्मी पापा के साथ आया हूँ पहले ताजमहल, बट उस टाइम मैं छोटा, आपको सब जगह घुमाया है। बढ़िया, ये तो है, मैक्सिमम जगह मैं मम्मी पापा के साथ ही घूमा हूँ, स्पेशली मंदिर वाले एरियाज। अच्छा भैया आप पहली बार आ रहे हो? मैं पहली बार, बहुत मजा आने वाला आप दोनों को। फिर मेरा पति तो सब जगह घूमा हुआ है पहले से ऑलरेडी। अच्छी बात है, और आप हो जाएगी रिफ्रेश मेमोरीज। पर जो बोलो मैं वर्थ इट है ताजमहल देखना, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आएगा। और कहाँ गए? बाली में गए वो साथ चले गए ना, वो मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी मैं उन्हीं वाइफ के साथ जाऊंगा, पर अभी निकलते हैं। सोचा ही था कि वाइफ के साथ जाऊंगा, पर अभी तक गए नहीं। जाएंगे जाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे प्लान। हम जाएंगे हम बाहर ना ई रिक्शा ढूंढेंगे, फिर ई रिक्शा में जाएंगे ताजमहल। अच्छा, ऐसे नहीं होता ना, ये बहुत वार्म है, पहली बार मैंने ऐसा कुछ पहना है। काफ्तान बोलते हैं शायद इसको, मेरे को शायद, मेरे को पक्का नहीं पता, बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं इसको यार। फेरन, हाँ ई रिक्शा ढूंढ रहे थे तो ये तो फुल हो गया, इसके पीछे लाइन देखो कितनी बड़ी है, तो इस लाइन में तो हम जा नहीं सकते। तो मेन रोड से हम ई रिक्शा उठाएंगे, मेन रोड से ई रिक्शा या तो मिलता नहीं होगा, यहाँ तो मिल जाएगा, वो वाला शायद थोड़ा सस्ते हो गए ना। आया आया आया, इसमें चल जाएंगे हम। नहीं भाई नहीं भाई, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा भाई जी, चेस करने के लिए मिल जाएगा, पैदल चले नहीं तो कोई मिल जाएगा रास्ते में, वहीं से मोड़ दे, एक किलोमीटर है इस साइड का, पीछे को पकड़ लेता हूँ मैं, कहीं भागने आप मत भागो। कितना है भैया कितना?
100 रुपए की 20 रुपए सवारी लेके गया अभी 20-40 80 हो गया भाई। चलो भाई चलो जी मिल गया फाइनली। एक्चुअली हम थोड़े आगे से यहाँ तक आए और हमारे से मतलब 80 रुपए ले लिए, मतलब 100 बोल रहा था। हाँ, मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है पहली बार आ रहे हो तो आपको कोई भी लूट सकता है। हाँ, तो जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ से सिर्फ 500 मीटर भी नहीं है चलने को। अरे बिल्कुल ही इतना वही नहीं, इतना तो हम खुद ही आ जाते हैं, अब उसके बाद पैदल ही जाना है पूरा अंदर तक। यही तो है यार, अवेयर होना चाहिए हर एक चीज से, बट अवेयर भी तब होते ना अगर हम पहले आए होते। आप तो आए थे पहले, तो मेरे को याद नहीं है ना, बचपन में आया था ना मैं। 4 टिकटें कर दो। तो गाइस ऑनलाइन टिकट हो चुकी है, अब चलते हैं हम अंदर। हाँ जी, मैं कब अंदर नहीं गया, मैं कभी उस टाइम बहुत रश था इसलिए मैं अंदर नहीं गया था। तो क्या कर सकते हैं, पैसे दे दिए जवानों, चलो वी विल एंजॉय ताजमहल का असली व्यू, मजेदार व्यू। तो अंदर जाना भी बनता है वैसे, तो मेरे लिए भी एक चीज नहीं रहेगी कि मैं अंदर नहीं गया। लेने पड़ेगा ना। हाँ, तभी तो ले रहा था मैं वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ से तुम कुछ लेके ही जाएगा पापा के लिए, मैं बहुत कुछ चीजें दिख रही है। हाँ, वापसी में ना है? पहले अभी अंदर कितना टाइम लगता है वो नहीं पता ना मुझे। हाँ, पर है यहाँ पे चीजें काफी अच्छी अच्छी, हैंडक्राफ्ट आइटम बहुत सारी है। तो यहाँ से होना है प्रवेश अपना ताजमहल के अंदर। देख इतना रश ताजमहल देखने के लिए, आज तो मेरे को लग भी नहीं रहा ज्यादा रश। जब हम आए थे ना उस टाइम इतना रश था, इतना ज्यादा क्या ही बता दे। अब देख पूरा पहले एंड तक जाना है हमें वहाँ तक, फिर यूं वापस आके फिर एंटर करेंगे हम। हाँ, यहाँ देख मेरे को अंदर बढ़िया ही बढ़िया चीजें रखी है, ये तो पक्का ही देख के जाएंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, टेंशन ना ले यार, शॉपिंग करेंगे मजे मारेंगे, क्योंकि पिछले कल हम ज़्यादा घूम ही नहीं पाए, कुछ घूम ही नहीं पाए वैसे देखा जाए तो। आज का दिन है हमारे पास ताजमहल देखने का, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ओ भाई ताजमहल में रश, 3-4 तो बजे जाने आज, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फोटोज ही फोटोज है यहाँ पे लगी हुई, पूरी हिस्ट्री लिखी है यहाँ पे हर एक चीज के बारे में ना। बट हमें तो एंट्री करनी है ताजमहल देखना है। ताजमहल जब देखेगी ना तेरा रिएक्शन बड़ा अच्छा होगा। बस एंटर होने वाले हम, इसके बाद है ये जो पेड़ है ना, इसके बाद है तो मतलब मजेदार मजा आने वाला है। वो लोग कहाँ रहेंगे? अरे भाई बहुत तगड़ा दृश्य देखने वाले हैं हम इसके बाद, इसको क्रॉस करने के बाद। असली में एंट्री वहाँ से अंजू, वहाँ से आया था मैं पहली बार अंदर ना। अभी तो हम पहुँचे ही नहीं, वो देख पीछे को देख एक बार, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है। हाँ रुक जा उनके लिए, रुक जा, हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। हल्की सी लुक दिख रही है बस, कैसा लग रहा है, है ना? अंदर जाके और भी बढ़िया लगने वाला है। तो बस अब हम आइकॉनिक ताजमहल देखने वाले हैं कुछ ही देर में, और हमारी आंखों के सामने बहुत ही सुंदर लग रहा है। सीरियसली बोलो, सो और लोग यहाँ पे ना रुक चुके हैं फोटोज बनाने के लिए। ये देखो जी, तो पहुँच चुके हैं हम खूबसूरत ताजमहल के बाहर, और ये ताजमहल हमारे बिल्कुल सामने है। और अब देखो भाई मजेदार, रश बहुत ज्यादा है। फिर कैसा लगा ताजमहल आपको? आया मजा? अभी हमने इसके अंदर भी जाना है, बट मेरे को बहुत क्राउड दिख रहा है। क्राउड तो बहुत होगा यार, चलते हैं, चलो लेट हो जाएगा। अक्षय दे लाइक ब्लॉग्स, अक्षय बिग फैन सर। कैसा लग रहा है आपको? वाओ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्या जाने ना, अपनी लव के लिए बनाया था ये। Okay. जिसने बनाया ना, जिन्होंने बनाया उसके हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और ना बना पाए इसे। तो ये देखो, प्यार प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वैसे पता होगा बहुतों को। अब यहाँ पे 3 ही पिलर दिख रहे हैं इस साइड से, अगर हम उस साइड जाएंगे तो वहाँ से हमें पीछे वाला, ये वाला और ये वाला दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। उस साइड जाएंगे मतलब इसी हिसाब से बनाया गया है। एक बार भाई रश देखो, कितना ज्यादा रश है अंदर जाने के लिए। हम ऊपरली साइड आ गए हैं, शू कवर हमने खरीदे, मेरे वाला भी आपका है, एक आपका ही है, मेरा जीन है। कहाँ भाई अकेले अकेले जा रही है क्या? देखिए इनकी ना ब्लाउज वो है खुले है ना, बट इन्होंने रबड़ पीछे बांधा है, एंड साड़ियाँ रेडीमेड लेके आ गए। अच्छा है ना, ब्यूटीफुल। देखिए ये पिलर है यहाँ पे,
आज मैं इसको टच भी करके देखूंगा कैसा फील आता है इसके, इस मार्बल को। कुछ नहीं मार्बल होगा, जैसे वहाँ पे भी आया था मेन टेम्पल नहीं थे पागल बाबा के मंदिर, वहाँ पे भी सेम मार्बल था। नहीं नहीं ये कुछ और होगा यार, ये देख वही है ना सेम। नहीं सेम का है, सेम है, डिफरेंस है। अभी भी हम यहीं तक पहुँचे हैं, अभी और इतना आगे बचा है ना, ऐसे चल रहे जैसे कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े गाड़ी मेरी ट्रैफिक में फंसी हुई, धीरे धीरे चल रही है टिक टुक गाड़ी। धूप इतनी तेज है कि अगर हम गर्मी में आते तो बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। अभी तो फिर भी ठंडक है यहाँ पे मुमताज और शाहजहाँ की। अब हैं हम ताजमहल के अंदर, तो गाइस अंदर तो हमने देख लिया, यहाँ पे आगे खींचेंगे फोटोज। मेरे को मेन लगता है ना जो ताजमहल देखने आते हैं, एक तो इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा अच्छी है, तो बोलते ना सुंदरता अट्रैक्ट करती है, इसके लिए आते हैं और दूसरी फोटोज वगैरह खिंचवाने के लिए। हाँ। ये यही है ना यार, बहुत सुंदर है यार ये। नजदीक से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल ताजमहल, है ना, मजा है ना, मजा आया। थोड़ा सा रश है पर ठीक है, अब बाहर देखते थोड़ा कुछ परचेज करते हैं। हाँ यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, और यहाँ पे भाई फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत ही ज्यादा है, ऐसा नहीं है। मार्बल की चीजें हैं, वाओ बहुत सही, कलेक्शंस तो बहुत अच्छी है, पेन स्टैंड फोटो फ्रेम भी अच्छी है। यहाँ पे और भी मल्टीपल मल्टीपल चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाएंगे, सब कुछ मार्बल का ही है। देखो ताजमहल हो गया, ये बुद्धा जी हो गए, सब कुछ मार्बल का है पूरा। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे पेठा, आगरा का मशहूर पेठा, पेठा ही होता है आगरा का पेठा। हाँ देख लेते हैं कैसा है, चीनी वाला है, टेस्ट करके देख। ये चीनी वाला दूसरा, ये भी पेठा है। हाँ ये सब पेठा है, फ्लेवर सब ये हनी के अंदर है, हनी के अंदर। थोड़ा सा ले लें, मैं भी ठंडी खाऊंगा आपका। टेस्टी वाला बताओ, ये मलाई वाला सबसे फेमस, मलाई केसर मलाई वाला। हाँ पान पेठा है, कर लो आप टेस्ट कर लो, जो जो अच्छे लगे वो ले लेना, काफी फ्लेवर है। ये पान वाला, हाँ ये पान है, मलाई वाला तो अच्छा है, बढ़िया है, टेस्ट करो। ये पान पेठा है यहाँ का फेमस, चॉकलेट पेठा। चलो जी हमने यहाँ से पेठे ले लिए, बाकी हमने सारा सामान ले लिया। तो भाई हमें अदनान ने ज्वाइन कर लिया है, और अदनान बोल रहा है कि इसके रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो पैसे नहीं देंगे। पक्का ना अदनान ने अगर ऐसा बोला है तो हम इसकी बात पे विश्वास करके चलते हैं। कितनी दूर है रेस्टोरेंट? अच्छा वहीं पे रेस्टोरेंट है भाई, भाई ने बोल दिया अब, और छोटे भाई पे विश्वास करेंगे हम आगरा के अंदर। तो यहाँ पे देखते जरा कैसा है खाना। तो भाई अपनी बिरयानी आ गई है, बढ़िया वेज बिरयानी खाएंगे, बिरयानी है पुलाव पुलाव जैसा लगता है, साथ में अपने हमने लस्सी मंगा दी थी, इसने लेमन सोडा। अब ये खाएंगे पिएंगे और फिर निकलेंगे। हाँ मीडियम स्पाइसी बस ठीक है। अच्छा कलर का चेंज होता है, इसका ज़्यादा अच्छा होता है वैसे। बात बोल रहे हैं भैया सही है। हाँ मैं तो खुद वेज बिरयानी बहुत पसंद करता हूँ। हाँ जी फिर कैसा रहा आपका लंच? ये भी थी एक बाहर सीटिंग स्पेस, हमने देखी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बैठ सकते थे, बढ़िया। चल फिर चलते हैं, अक्षय भाई ने अब अभी भी आ रहे होंगे, अब इसके बाद हमने निकलना अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। चलो जी अब अंजू को एक चैलेंज दिया है कि वो हमारी गाड़ी ढूंढ पाएगी कि नहीं, देखते जरा देखते हैं। पहले ढूंढ तो ले पेठा, पेठा पेठा ये गाड़ी जाने दो। लो जी अपनी गाड़ी नहीं पहचान पा रही, पहले दूसरे की गाड़ी में जा रही थी। तो गाइस हम कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, और भाई मजा आ गया इस फ्लाईओवर में। यमुना एक्सप्रेसवे जो दिल्ली टू आगरा कनेक्ट करता है, बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है, वॉशरूम ब्रेक, फिर इसके बाद धीरे धीरे निकलेंगे। दिल्ली में ही सोच रहे हैं आज हम स्टे करेंगे, बाकी हालत तो सबकी बहुत ख़राब है, पर ये है यही असली फन है ट्रैवल का कि आपको हर चीज़ इंजॉय करने का और हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। अब अंजना ने ज्वाइन कर दिया हमें आगे, अक्षय भाई नेहा भाभी पीछे बैठे आराम से, अब बजेगा म्यूजिक। चलो तो नहीं होगी म्यूजिक से
बजा लो। अब यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर बचा है दिल्ली, तो अब ड्राइवर चेंज हो रहा है, अब अक्षय भाई गाड़ी चलाएगी, अंजना पीछे जाएगी। आ जाओ जल्दी, यही तक था मेरा सफर। तो ठीक है ना? अच्छा तो फिर हम चलते हैं। चलो फिर ध्यान रखना अपना, ठीक है, दिल्ली में मिलते हैं। ओके, आज तो दिल्ली घूमना है इसको। मैं गया दिल्ली, वहाँ पे मिली मेरे को बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा, मामा भांजा जा रहे हैं अभी तो। ये चलो अक्षय बैठ आगे क्योंकि गाड़ी चलाएंगे। अक्षय भी और ध्रुव को गाड़ी चलाने की आदत है, तो ये आगे नहीं बैठ सकते। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर और हमारे पेट्रोल हो चुका है बिल्कुल खत्म, रिजर्व लग गया है और हाईवे से स्पेशली उतरना पड़ा हमें यहाँ के लिए, वरना यमुना एक्सप्रेसवे में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, हमें एग्जिट लेना ही है। बिल्कुल एग्जिट लेके कहीं ना कहीं अप्रोचिंग सिटी में पेट्रोल भराना। यहाँ आपको खिलाते हैं हम अग्रवाल बुक डिपो में, सॉरी किताब नहीं मिलती यहाँ, तो किताबें और क्या। अभी ना जाओ। वाओ गाइस वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है और बहुत दिनों बाद सनसेट देखने को मिल रहा है, नहीं तो फॉग ही होती थी ना। नहीं चला है जस्ट मुंबई में तो इससे कुछ ज्यादा हो रहा है। हां फट जाती है मुंबई। ये मुंबई की, हां मुंबई इतना है, मुंबई आमची मुंबई, हम पहुंच गए गाइस मुंबई। हां तो मुंबई की फील आ रही है हमें। भाई जी गोरेगांव चले, चलो भाई चलो मलाड लेके चलते हैं आपको। मलाड मलाड लेके चलते हैं। मुंबई भाई, मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यार, मान गए मुंबई बढ़िया कर रहा है, उज्जवल भी यही कहीं मिलेगा हमें आगे यार। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर मेट्रो, अंजू मेट्रो चल जा तू ऊपर, अभी जाएंगे हम। क्या बात है भाई, सॉल्ट स्टेज रूम रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं अंदर जाके कि कैसे है स्टे यहाँ पे। तो गाइस फाइनली अब जाके एक होटल पसंद आया हमें, होटल 91 सेक्टर 29 गुड़गांव में। तो यार बहुत घूमा फिरा और फाइनली एक होटल मिल गया यार। अब देता हूँ मैं आपको रूम टूर। क्या बात है, कैसा लगा रूम? रूम है ना मस्त है, बट हम दिल्ली में ना दिल्ली वाले जैसे कपड़ों में नहीं, क्योंकि हम आए थे कि हम वृंदावन जाएंगे और वहां से हमारा हरिद्वार जाने का था, बट किसी कारण से हम वहां नहीं जा पाए तो हम दिल्ली आ गए। बट अब मुझे लगता है कि थोड़ा दिल्ली की जगह कपड़े होने चाहिए क्योंकि गर्मी है बहुत यार। पर आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देते, ये अपना बेड है, साथ में थोड़ा सा सिटिंग स्पेस और वॉशरूम अंदर बहुत प्यारा है, और जी यहाँ पे अपना छोटा मिनी फ्रिज, टीवी है, वॉशरूम काफी अच्छा है, ये देखिए आप वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरा है, ये देखो वाह। गर्म पानी पी ले, केटल है ना वहाँ पे, तो हम ट्रेवल कर रहे हैं ना इस वजह से हो रहा है। और गाइस एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि कुछ लोगों के, मैं ऐसे कमेंट्स के बारे में बोल रही थी, कुछ लोगों के बोल रहे थे कि मतलब ऐसे एडजस्ट करना झगड़ा वगड़ा, तो मैं बोलूँ हम मतलब जैसे हम डेली व्लॉगिंग करते तो हम अपने आप को वैसे ही दिखाएंगे, अगर छोटा मोटा झगड़ा भी हो रहा है तो वो हर कपल्स के बीच होता है, डजंट मैटर, सॉर्ट आउट भी हो जाता है। तो मतलब हम ऐसे नहीं कि व्लॉग्स के लिए हम ऐसे रहे कि हम ऐसे कपल है जो कभी लड़ते झड़ते नहीं है। मैंने पहले भी बोला था क्यू एन ए में कि हर कपल के बीच लड़ाई होती है, हर कपल के बीच, बट हमारा कपल ऐसा है कि हमारा पति हमें मना लेता है और अगर हम मनाए तो मान भी जाता है। देखो यार लड़ाइयाँ चलती रहती है, लड़ाइयों का कुछ नहीं है, बस खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और क्या गलत। थक तो वैसे सब गए बहुत ज्यादा, और मेरा प्लान था कि हम घूमेंगे साइबर सिटी, अभी घूमते कि नहीं घूमते वो थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी थोड़ा हम फ्रेशन अप हो जाते। क्या बात है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल भाई, वाइब्स ही अलग हो गई है यहाँ पे, जयपुर दिल्ली उद्योग विहार। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं साइबर हब, मैं तो आया हूँ यहाँ पे पहले, बट अक्षय भाई नेहा भाभी एंड अंजना का तो फर्स्ट टाइम है, तो नाइट लाइफ में मैंने सोचा कि यही डिस्कवर कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी अंजना जी, अब इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर चल, यहाँ पे खड़ी रहे, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। तो क्या हो गया उसमें, चलो भाई चलो, हम तो भाई आराम से अब टीम अप कर दिया हमने, यहाँ रखिए भाई नेहा भाभी एंड अंजना साथ चलेंगे क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, क्यों हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, कुछ बात ही नहीं करते हैं।
मेरे को तो जिस मर्जी के साथ भेजो भाई, कंफर्टेबल है मेरी आंटी। ये बोल रहे हैं कि मैंने लोअर में लोअर पहना है, मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है इनको। ऐसा कुछ नहीं है पागल, मैं तो देखो पकड़ के चलूंगा पूरे इसमें साइबर हम चिंता। बहुत अच्छा है, गरम न्यू क्रेटा बढ़िया यार। तो गाइस अभी आए हम हल्दीराम, और हल्दीराम में कुछ खाने पीने का देख रहे हैं भाई जी, ठीक है ना? यहाँ पे 356 हाँ ऑर्डर नंबर, यहीं पे डल रहा है हमारा डिनर। क्या आवाज है, बहुत बढ़िया। लो गाइस इट्स द क्विक मील अभी के लिए, ठीक है? छोले राइस यार, बहुत भूख लगी थी, मैं कहा भाई कुछ तो दे। अच्छा गया यार, मर गए यार भूख से। हाँ जी, फिर कैसा लगा खाना? खाना अच्छा था, बस अब चलते हैं। हम सिर्फ खाना खाने बाहर आए थे और अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। चलो एटलीस्ट घूमना फिरना भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। बढ़िया से हाँ। लो अब चलते हैं रूम की तरफ, बढ़िया खाना पीना हो गया। कैसी है तबीयत? बहुत गला खराब है, सुबह तो ना बस उठेंगे और निकलेंगे चंडीगढ़ के, मुझे लगता है मैं बहुत बीमार होने वाली हूँ। वैसे तो खाना भी नहीं खाएंगे अभी, ऐसा खाना तो अच्छा था बट मतलब कैटल है ना। हाँ कैटल है, पानी करते गर्म पानी करके मतलब। हाँ जल्दी सो जाएगी, थोड़ी नींद भी आ रही है ना। एक तो सीरियसली गाइस इतना ट्रैवल कर रहे हैं ना, वैसे तो हम चंडीगढ़ जा सकते थे आज, बट हमने सोचा कि थोड़ा सा एक हॉल्ट ले लेंगे यहाँ पे, फिर हमें रेस्ट भी मिल जाएगा, सुबह फिर उठेंगे और निकलेंगे घर की तरफ वापस। जाना तो घर था, पापा का कॉल भी आया था कि खाना बना लो, बट बहुत थके थे, मतलब बहुत ज़्यादा थके थे ताजमहल घूमते घूमते ही। तो हमने सोचा कि मतलब स्टे कर लेते, अब सुबह हम जल्दी 9-10 बजे निकल जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़। हाँ तो गाइस करता हूँ मैं इस व्लॉग को एंड। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए रुपये सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। देखते रहे ध्रुव वंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।